हेलो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो है लहसुन का अचार, गार्लिक पिकल। ये पिकल मेरे मम्मी बनाएंगे। इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हैं लगभग आधा किलो लहसुन, धनिया के दाने, अजवाइन, जीरा, मेथी के दाने, काली सरसों, नमक स्वादानुसार, 1 चम्मच चीनी, हल्दी, मिर्च, लाल मिर्च का पाउडर और हरी मिर्च। ये आप, हरी मिर्च ऑप्शनल है, ये आप अवॉइड भी कर सकते हैं, और मिर्च आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डालनी है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, एक कढ़ाई रख लेनी है, उसे गर्म करना है। उसमें हम ये सारे खड़े मसाले डाल लेंगे, धनिया, इसको हल्का हल्का चलाएंगे। गैस को हमने धीमा किया हुआ है ताकि ये जले नहीं, हल्के हल्के हमने भूनने लाए। फिर ये हम मेथी के दाने डालेंगे, इनको चलाते रहना है साथ में। जीरा, अजवाइन, काली सरसों, इन सबको डाल के हमने अच्छे से इनको भून लेना है। को हिलाते हुए देख सकते हैं, मेरी मम्मा इनको हिला रहे हैं जब तक ये जले नहीं। गैस को हमने धीमा किया हुआ है ताकि ये जले नहीं। आप चाहें तो इसमें हींग भी डाल सकते हैं, हींग हमें पसंद नहीं है इसलिए हमने डाला नहीं है। अब ये सारे दाने भुज चुके हैं, अभी हम सब इन सब को हम मिलाकर ग्राइंड कर लेंगे। अब हमने ये मसाले सारे जो हमने गर्म किए थे, भुने थे, उनको हमने पीस लिया है। ये जो लहसुन का अचार है इसे हम व्हाइट सिरका में बना रहे हैं। ये देख सकते हैं हमने व्हाइट सिरका लिया है, और इस व्हाइट सिरके में हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, ना चाहे तो नहीं भी डाल सकते हैं। अब सबसे पहले हम ये जो सिरका है इसको गर्म की हुई कढ़ाई में डालेंगे और गैस को बिल्कुल मध्यम कर देंगे। जब ये सिरका गर्म हो जाएगा तब हम इसमें नमक डालेंगे अपने स्वादानुसार, हल्दी डालेंगे 1 चम्मच, अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें लहसुन और नमक वाले सिरके में हम डाल देंगे लहसुन, फिर हम इसमें लाल मिर्च डाल देंगे, ये अपने अपने स्वाद के अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, ये ऑप्शनल है, फिर इसको थोड़ी देर चलाएंगे ताकि इसकी स्मेल निकल जाए। और इसमें हम हरी मिर्च भी डाल देंगे, थोड़ी चीनी, और फिर ये कुटा हुआ सारा मसाला डाल देंगे। सब मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, धीमी आंच रखी हुई है मैंने। अब देख सकते हैं कि देखने में बहुत ही कलरफुल है, और ये मेरी मम्मी बहुत ही डिलीशियस अचार बनाते हैं। ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, सर्दियों के मौसम में तो बहुत ही गर्म होता है ये, और बहुत ही अच्छा होता है, हमें सर्दी से बचा के रखता है। गार्लिक वैसे भी हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसको लगभग हम 5 या 10 मिनट चलाएंगे और फिर इसको ढक के बंद कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये अचार बनके तैयार हो गया है। मैंने गैस बंद कर दी है, इसका कलर बहुत ही अच्छा है और ये बहुत ही डिलीशियस है, देखने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। आप इसको एक जार, जब ये ठंडा हो जाएगा थोड़ा ठंडा करके इसको एक जार में डाल लीजिए। आप शीशे के जार में डाल सकते हैं या जो भी जार आपके पास अवेलेबल है उसमें डाल लीजिए। अगर आपको ये अचार की रेसिपी पसंद आई हो आप इसे जरूर लाइक कीजिए, घर पर ट्राई कीजिए, और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप फर्दर वीडियोस पाते रहें। थैंक यू। अब आप देख सकते हैं कि ये अचार बनके तैयार हो गया है। मैंने गैस बंद कर दी है, इसका कलर बहुत ही अच्छा है और ये बहुत ही डिलीशियस है, देखने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। आप इसको एक जार, जब ये ठंडा हो जाएगा थोड़ा ठंडा करके इसको एक जार में डाल लीजिए। आप शीशे के जार में डाल सकते हैं या जो भी जार आपके पास अवेलेबल है उसमें डाल लीजिए।
अगर आपको ये अचार की रेसिपी पसंद आई हो आप इसे जरूर लाइक कीजिए, घर पर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप फर्दर वीडियोस पाते रहें। थैंक यू।